हेलो दोस्तों दोस्तों मेरे पास बहुत से कमेंट आते हैं कि डबल बेड को बनाने से पहले उसका काउंटर का वीडियो बनाओ कि काउंटर को कैसे बनाते हैं, कितने बाई कितने का काटते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमको करना क्या है, ये पैर काटना, यहाँ से और यहाँ तक पैर 29 इंच लंबा, चौड़ाई इसकी 8 इंच होती है, चौड़ाई 8 इंच ही। और ये पक्का आगे पक्का 72 इंच लंबा, चौड़ाई इसकी 16 इंच होती है, ठीक है दोस्तों 16 इंच। और ये चलिए इस पर आ जाते हैं, ये इसकी लंबाई हम यहाँ से यहाँ तक काटनी 72 इंच, और इसकी चौड़ाई रख लेनी हमको इसकी 4.5 इंची या 5 इंची, थोड़ी तो 5 इंच रख ली, 5 इंच चौड़ाई। फिर इसको बीच में कट दे देना, क्योंकि हमारा पल्ला आएगा बीच के पल्ले के लिए अपना आप कट रह जाएगा। और इसके ऊपर फिर ये जो जगह बचेगी यहाँ पर बीच का साइड का पल्ला आएगा, उसके ऊपर लीरी लगा दीजिए हम इसकी ऐसी तरह लीरी, देखो जॉइंट है, जॉइंट के ऊपर पिलाई आ जाएगी, पिलाई तो जॉइंट दब जाएगा वैसे ही। और इसमें कील ठोक देनी है ऊपर से। और चलिए दोस्तों पीछे की साइड और दिखा देता आपको। दोस्तों यह है पीछे की साइड, इस तरह हम एक बैनी लगाते हैं, देखते हो एक गुटका बैनी लगाते हैं, यह एक गुटका बैनी, इधर भी इस टाइप लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं। इसकी लंबाई 18 इंची, 18 इंची, ठीक है दोस्तों 18 इंच का पल्ला आएगा, पल्ला आएगा इस भीतर। और यह इसको 72 से हम 1.5 इंच का कम काटेंगे, यानी कि 72 इंच लंबा होता है बेड हमारा, 2 इंच 1.5 इंच कम काटेंगे इसको। चौड़ाई इसकी 7.5 इंच चौड़ाई होगी, 7.5 इंच। और इसकी खड़ाई यहाँ से और यहाँ तक 9 इंच खड़ाई, इसकी यहाँ से और यहाँ तक 9 इंच खड़ाई, और चौड़ाई इसकी 8 इंच रख लीजिए, 8 इंच चौड़ाई, ठीक दोस्तों। अब इसके पिलाई आ जाएगी इसके पीछे, फिर उसमें डिजाइन लग जाएगी। अगर किसी भाई को और कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।